राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम कबीर वाणी। संत कबीर कहते हैं, जैसे पंखे को हिलाए बिना उसकी हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार बिना परिश्रम किए विद्या भी प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी मन का पाखो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए, आप हो शीतल होए। मन का अभिमान त्याग कर ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले को शीतलता मिले और स्वयं हमारा मन भी शांत हो। मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान। मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान। तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध जिस प्रकार थोड़े से शीतल जल का छींटा देने से उबलते हुए दूध का उफान शांत हो जाता है, उसी प्रकार सज्जनों की मधुर वाणी से सबका क्रोध शांत हो जाता है। बोलिए एक अमोल है जो कोई बोले जा, वचन बहुत मूल्यवान है, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमें अपनी बात को हृदय की तराजू पर तोल कर ही मुख से बाहर लाना चाहिए। भाव इस प्रकार है, कोई बात कहने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, दूसरों के हित के लिए दे देता है, जिस प्रकार तालाब भी अपना जल स्वयं नहीं पीता, दूसरों के हित के लिए दे देता है, उसी प्रकार सज्जनों का जन भी दूसरों की भलाई के लिए होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंखी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। संत कबीर कहते हैं, खजूर के वृक्ष की तरह बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। खजूर का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, किंतु न तो उसकी छाया किसी राही को मिलती है और न ही उसका फल पाना सरल है। भाव इस प्रकार है कि बड़ा वही है जो दूसरों के काम आए। संत कबीर कहते हैं, जो पहले से तैयारी करता है उसे ही सफलता मिलती है। यदि आग लगने पर कुआं खोदें तो आग नहीं बुझाई जा सकती। भाव इस प्रकार है कि सफलता पाने के लिए पहले से ही तैयारी करना जरूरी होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। संत कबीर कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों में से पहले किसे प्रणाम करें, गुरु का ही स्थान सर्वोपरि है जिन्होंने ईश्वर से मिलने का मार्ग बताया। अर्थात गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। जिस काम को कल करना चाहते हो उसे आज ही कर लो, और जिसे आज करना चाहते हो उसे अभी कर लो। प्रलय कभी भी हो सकती है, अर्थात भविष्य अनिश्चित है, इसलिए अपने काम को समय पर ही कर लेना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई, दुख का है कोई। संत कबीर ने कहा है, दुख में तो सभी ईश्वर को याद करते हैं किंतु सुख में उसे भूल जाते हैं। यदि सुख में भी ईश्वर का ध्यान करें तो दुख कभी नहीं हो सकता। भाव इस प्रकार है, सुख हो या दुख, सदा ईश्वर को याद रखना चाहिए। कबीर वाणी। अभी आप सुन रहे थे रेडियो बाल पत्रिका रंगोली के अंतर्गत ये कार्यक्रम। कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभु दयाल खट्टर, संपादक मंडल
अजीत होरो, रमेश रानी शर्मा, वंदना अरिमर्दन और दाऊ दयाल चतुर्वेदी। गायन स्वर कुमार मुखर्जी और प्रियंवदा। संगीत महेश प्रभाकर। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग अफशा सिद्दीकी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।